फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज पे नाप लेके ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। जैसे ये 40 चेस्ट का ब्लाउज है, तो हम ब्लाउज पीस पे कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो पहले हम कटोरी ब्लाउज, जब भी कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, उससे पहले हमें पेपर पे इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो ब्लाउज कट करने से पहले हमें पेपर कटिंग करेंगे, फिर हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी पेपर कटिंग करनी है। पहले हमें, जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, तो पहले हमें ब्लाउज की मेजरमेंट लेनी है। तो ब्लाउज की मेजरमेंट हम पहले इस तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच और बैक साइड का गला है हमारा 9 इंच। यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं। चेस्ट का 1/4 है हमारा 10 इंच। यहाँ पे गले की लेंथ है हमारी 6 इंच। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमें पहले हमारी पेपर कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें गले का मार्किंग करना है 2.5 इंच पे, शोल्डर लेना है हमें 5.5 इंच पे, चेस्ट का 1/4, 40 चेस्ट का, द चेस्ट का 1/4 था हमारा 10 इंच, यानी कि 40 चेस्ट का ये ब्लाउज है। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे चेस्ट का 1/4 लेंगे, 10 इंच, इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे 6 इंच, हम 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, इसका हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमें इसका बॉक्स बनाया है और 6 इंच पे हमें गले का मार्किंग करना है, इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फ्रंट साइड की गोलाई देनी है 1.5 इंच पे और बैक साइड की गोलाई देंगे हम 2 इंच पे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। गले के लिए भी हम राउंड शेप देंगे। अभी यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, इस साइड में भी हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें सीधी एक लाइन लगानी है। सीधी एक लाइन लगाने के बाद यहाँ पे जो कटोरी का नाप है वो ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये यह आता है हमारा 6 इंच। जैसे यहाँ पे हमने कटोरी ज्वाइंट की है और यहाँ से हमें ये कटोरी का नाप लेना है। तो ये जो 6 इंच आता है, तो ये जितना आता है उतना ही आपको यहाँ पे लेना है। मुझे 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने 6.5 इंच यहाँ पे लिया है। ये जो है फ्रंट साइड की गोलाई, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, जैसे शोल्डर जॉइंट हुआ है, यहाँ तक हम जो कटोरी जॉइंट की है यहाँ तक हम ये नाप ले लेते हैं। तो ये आता है हमारा 4 इंच, इसमें हम 1/4 इंच मिलाएंगे, यानी कि 4.5 इंच। तो अब यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो मार्किंग हमने की थी उसी तरह से हमने ये कटिंग की है। अब ये जो कटोरी है उसको हम दूसरे पेपर पर बढ़ाते हैं। अब दूसरे पेपर पर ये कटोरी हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन लगानी है। सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से इसको रखना है।
और ये जैसा है वैसा ही पहले हम निकालते हैं। इस तरह से ये जैसा है वैसे पहले हमने निकाला है। अब इसका हम सेंटर निकालते हैं, 6.5 इंच है तो 3.25 इंच हम इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे हमें 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच हमने नीचे सीधा लिया है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। और ये जो 3.25 इंच जैसे कटोरी का हाफ जो निकलता है, ये 3.25 इंच हम इसके आगे लेंगे और जितना आपका सिलाई में जाता है उतना आपको एक्स्ट्रा लेना है। इस साइड में जितना आपका आया है 2 इंच, दूसरे साइड में भी हम 2 इंच लेंगे। 2 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ज्वाइंट करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, जो सिलाई में आपका जाता है उतना थोड़ा एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे हमें इसको ज्वाइंट करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसको हमें राउंड शेप देना है। बाहर के साइड से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे बाहर के साइड में हमने इसकी कटिंग की है, अब यहाँ पे हमें आधा इंच का इस तरह से राउंड शेप देना है। इस तरह से हम इसको आधा इंच का राउंड शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कटोरी की कटिंग की है, इसको भी गले को गोल राउंड शेप देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है, तो ये जो शोल्डर हमने ज्वाइन किया है इसके सामने हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। स्लीव्स की लंबाई है 4.5 इंच और इसका बॉटम है 6.5 इंच। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें लंबाई है उसकी 4.5 इंच, तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी आपकी लंबाई होगी ब्लाउज स्लीव्स की, उसको आपको 1.5 इंच प्लस करना है। और यहाँ पे हमने ये इस तरह से पेपर लिया है, जैसे फोल्ड किया है एक बार, और यहाँ पे हमने लंबाई ली। लंबाई में जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसकी चौड़ाई कैसे निकलती है, तो यहाँ पे हमें जो आर्मोल है, आर्मोल को हमें इस तरह से क्रॉस में नापना है। तो ये आता है हमारा 9 इंच, तो इसमें हमें 0.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 9.5 इंच ये हमारी बाजू की चौड़ाई निकलती है। उसके बाद यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 3 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच सीधा ले लेते हैं और इस साइड में भी हम 1 इंच लेंगे। अब यहाँ पे हमें बाजू का शेप देना है। यहाँ पे हमें बॉटम लेना है। बॉटम है हमारा 6 इंच, इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। अब यहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है, तो यहाँ हमने ये 11 इंच लिया है। यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्किंग करते हैं और इस साइड में 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और ये जो है ये क्रॉस पट्टी का शेप दे देते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने क्रॉस पट्टी की कटिंग की है। यहाँ पे हमने ब्लाउज़ पे नाप लेके पेपर कटिंग कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है। अब ब्लाउज़ पीस पे कैसे करनी है ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।